हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिव्यांग बिजनेस लोन के बारे में जानकारी देने वाला हूं, लोन के बारे में बताने वाला हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, दिव्यांग को लोन कैसे मिलता है। देखिए, काफ़ी दिव्यांग परेशान है कि सर हमें लोन चाहिए, हमें बिजनेस करना है, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम बिजनेस कैसे करें, ना ही तो पेंशन में इतनी बढ़ोतरी हो पा रही है और ना ही पेंशन इतने रुपए आते हैं कि हम अपने घर का पालन पोषण कर सकें। तो हम अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस कैसे कर सकते हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, हम लोन कैसे ले सकते हैं। देखिए, आज मैं इसी वीडियो के अंदर दो तीन तरीके आपको बताऊँगा जो दिव्यांगों के लोन के लिए योजना बनाई गई है सरकार की तरफ से। देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होता है, जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, क्या पात्रता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात होती है, अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं और आप लोन लेना चाहते हैं तो जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो दिव्यांग को देखकर कोई लोन नहीं देता है, जबकि सरकार ने योजना निकाल रखी है, केंद्र सरकार की भी योजना है। अगर आप कोई से भी राज्य के मूल निवासी हैं और लोन लेना चाहते हैं तो लोन मिल सकता है, पर यह बैंक कर्मचारी इतने चक्कर कटवा देते हैं कि आदमी थक कर घर बैठ जाता है। बैंक चाहे तो लोन दे सकती है, पर उनके दिमाग में बात ये होती है कर्मचारियों की कि दिव्यांग व्यक्ति लोन चुकाएगा नहीं। देखिए, आज वीडियो के अंदर जो मैं बताऊंगा वो लोन अगर आपको मिल जाए तो आपको उसमें छूट भी हो सकती है। कुछ लोन ऐसे हैं जिसमें 35% की छूट है, कुछ लोन ऐसे हैं जिनमें 25% की छूट है। अगर आपको 1,00,000 रुपये का लोन मिलता है और आपको 35% की छूट मिलती है, सब्सिडी मिलती है, तो 1,00,000 पर 35,000 रुपये आपको बच जाएंगे। अगर 25% की छूट मिलती है तो आपको 1,00,000 पर 25% का यानी 75,000 रुपये आपको भरने होंगे और 25% का आपको फ़ायदा हो जाएगा, यानी 25,000 रुपये का आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दिव्यांग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। सबसे पहले आप दिव्यांग होने चाहिए, कम से कम आपकी दिव्यांगता प्रतिशत जो होती है वह 40% से कम ना हो। 40% से ऊपर को आप कितने भी दिव्यांग हो, और आप दिव्यांग उस प्रकार के हों, आपका माइंड सही होना चाहिए। अगर आपका माइंड सही नहीं होगा तो आप कैसे बिजनेस कर पाएंगे, क्योंकि बिजनेस जो होता है वो दिमाग से होता है, ठीक है। आपका माइंड सही होना चाहिए। 40% से ऊपर को आप दिव्यांग हैं, चाहे आप पैरों से दिव्यांग हैं, चाहे आप हाथ से दिव्यांग हैं, ठीक है, आपका माइंड सही होना चाहिए। और आपके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र यूडी आईडी कार्ड होना चाहिए जो जिला अस्पताल से बनता है सीएमओ द्वारा। एक आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और एक आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट का 6 महीने पुराना स्टेटमेंट होना चाहिए, यानी जो 6 महीने का स्टेटमेंट होता है वह बैंक वाले मांगते हैं, तो 6 महीने का स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। स्टेटमेंट क्या होता है, 6 महीने की एंट्री होनी चाहिए, आपने कितना लेन देन किया है, कितना नहीं किया। और आपके पास जो बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रोजेक्ट होना चाहिए, आपको बिजनेस कैसे करना है, कौन सा बिजनेस करना है, वो प्लान आपको जो है उनको समझाना पड़ता है। और एक आपके पास कोटेशन होनी चाहिए, यानी जो भी आप बिजनेस करते हैं तो उसकी कोटेशन होती है, उसी हिसाब से पैसा जो है उसके अकाउंट में पैसा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो आपको उसकी कोटेशन देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे कि आप प्लास्टिक का बिजनेस करना चाहते हैं, प्लास्टिक के बर्तन बनाना चाहते हैं, तो आपके जो मशीन है प्लास्टिक के बर्तन बनाने वाली वो कितने रुपये की आएगी, उसका जो मटेरियल होगा वो कितने रुपये का आएगा, तो यानी पूरा जो है वो कोटेशन बनती है। और कोटेशन उस आदमी की चलती है जो GST भरता हो, जिसके पास GST अकाउंट हो, क्योंकि पेमेंट जो भेजा जाएगा, जो भी लोन होगा वो उसी के अकाउंट में भेजा जाएगा। एक योजना है जो पूरे भारत में वर्क करती है, NHFDC। NHFDC जो है दिव्यांगों को लोन देती है और ये पूरे भारत के लिए, इसमें दिव्यांगों के लिए 25 लाख तक का लोन है
और इसमें जो है दिव्यांग की जो ब्याज दर है वो भी कम है। आप इसकी जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप 25 लाख तक का लोन इसमें ले सकते हैं और अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र, सीएससी केंद्र या लोकवाणी केंद्र पर जानकारी ले सकते हैं। और इसका आवेदन भी किया जाता है, इसका ऑफलाइन फार्म भी आता है, ऑनलाइन फार्म भी होता है, ठीक है। और दूसरी योजना है प्रधानमंत्री लोन यानी मुद्रा लोन। मुद्रा लोन में जो है आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है। इसमें भी तीन कैटेगरी के लोन मिलते हैं, एक 50,000 तक का मिलता है, एक 5 लाख तक का मिलता है और एक 25 लाख तक का लोन मिलता है। इसमें जो है सरकार ने वादा किया था ये भी पूरे भारत के लिए कि आत्मनिर्भर बनो, उसके लिए जो लोन दिया जाता है। पर जब लोन सरकार आदेश कर देती है कि लोन मिल जाएगा आसानी से बिना गारंटी के, पर इस चीज़ का पता जब चलता है जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं, घर पर चक्कर काटने पड़ते हैं। तो आपको जब भी बैंक में जाना है, जो मैंने प्रक्रिया बताई है, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, तो थोड़ा उससे आपको आसान हो सकता है, हो सकता है आपको लोन मिल जाए, क्योंकि कर्मचारी हो सकता है आपसे इम्प्रेस हो जाए कि बंदा सही है, सभी डॉक्यूमेंट्स लाया है और इसको नॉलेज भी है, उसी को लोन मिलता है। तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, अपना प्रोजेक्ट बताना है, कोटेशन बतानी, इतना खर्च मेरा आ सकता है और इतने पैसे की मुझे ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। और एक लोन जो है, जो मैंने आपको बताया है मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री द्वारा जो लोन चल रहा है, इसमें भी तीन कैटेगरी होती है। जो जिला उद्योग से फाइल बनती है, जिला उद्योग से जो फाइल बनती है उसमें भी 25 लाख तक का लोन हो जाता है। और फाइल जो होती है, फाइल चाहे आप 1 करोड़ की बनवा ले, 1 करोड़ का भी लोन हो जाता है अगर आप उस फाइल के द्वारा लोन लेते हैं, चाहे विकलांग व्यक्ति है चाहे सकलांग व्यक्ति है, तो उसमें भी सब्सिडी मिलती है। इसमें सिस्टम ऐसा बनाया गया है, अगर महिला के नाम पे लोन होता है तो 35% की सब्सिडी मिलती है और पुरुष के नाम पे लोन होता है तो 25% की सब्सिडी मिलती है। ये जो है योजना चलती रहती है, चेंज भी होती रहती है, कभी सभी के लिए 35% की सब्सिडी आ जाती है, कभी सभी के लिए 25% सब्सिडी आती है। तो सभी के लिए सब्सिडी यानी इस जो जिला उद्योग से जो फाइल बनती है, उस फाइल के द्वारा अगर आपको लोन होता है तो आपको काफ़ी सारा फायदा हो जाता है। पहले जिला उद्योग से फाइल बनती है, वो फाइल बैंक में जाती है, जो भी बैंक में आपका अकाउंट होगा, जिस बैंक की आप पासबुक लगाएंगे। फिर बैंक में फाइल जाने के बाद आपके यहाँ पर जो बैंक से, जो बैंक का फील्ड ऑफिसर होता है, बैंक कर्मचारी होते हैं, आपकी जो इंक्वायरी करने आते हैं, आपकी इंक्वायरी कंप्लीट होती है, अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो आपको लोन मिल सकता है। वो बैंक वालों के ऊपर है, आपकी फाइल अप्रूव कर देते हैं तो आपको लोन मिल सकता है। ये ज़रूरी नहीं है अगर आपने 5 लाख की फाइल बनवाई है आपको बैंक वाले 5 लाख तक का ही लोन देंगे, वो उनकी मर्जी है वो कितना लोन देंगे। आपका कार्य देख कर आप क्या काम करना चाहते हैं, वो आपको 1 लाख का भी दे सकते हैं, वो आपको 2 लाख का भी दे सकते हैं, हो सकता है वो आपको ना भी दें, तो इस तरह से भी होता है। और ये लोन जो चुकाया जाता है ये किस्तों में चुकाया जाता है, महीने की किस्त बन जाती है, आपको हर महीने किस्त जमा करनी पड़ती है। अगर आप छोटा मोटा लोन लेना चाहते हैं तो अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगजन ऑफिस में जाकर फार्म भर सकते हैं, जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन कर सकते हैं और दिव्यांगजन ऑफिस में जो उसका प्रिंट जमा करना पड़ता है और इसमें एक एफिडेविट भी लगता है, तो उसमें आपको 10,000 तक का लोन मिल सकता है। अगर आपके माइंड में कोई 10,000 तक का बिजनेस हो, क्या आप छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, कोई ठेला लगाना चाहते हैं या आप कोई ठेला लगाना चाहते हैं, तो 10,000 रुपये तक का लोन आपको उसमें मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी।